बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। एक समय स्पेन के मशहूर पेंटर रहे पाब्लो पिकासो किसी सड़क से होकर गुजर रहे थे। वहीं से एक महिला भी गुजर रही थी। महिला ने पिकासो को देखा, वह उन्हें पहचान गई और दौड़कर उनके पास गई। महिला ने पिकासो से कहा, सर मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, आपकी पेंटिंग मुझे बहुत पसंद है, क्या आप मेरे लिए भी एक पेंटिंग बना सकते हैं? महिला की बात सुनकर पिकासो मुस्कुराए और बोले, मेरे पास पेंटिंग बनाने के लिए कुछ नहीं है, इस वक्त मेरे हाथ खाली हैं, मैं किसी और दिन आपके लिए पेंटिंग बना दूंगा। महिला बोली, पता नहीं किसी और दिन मैं आपको मिल पाऊंगी या नहीं, इसलिए आप आज ही मेरे लिए पेंटिंग बना दीजिए। महिला के बार बार आग्रह करने पर पिकासो ने एक कागज का छोटा सा टुकड़ा लिया और अपनी शर्ट की जेब से पेन निकालकर कागज के टुकड़े पर कुछ बनाना शुरू कर दिया। 10 मिनट के बाद पिकासो ने कागज पर ड्राइंग पूरी कर दी और महिला को देते हुए कहा, यह लीजिए, यह पेंटिंग लाखों डॉलर की है। महिला को अचंभा हुआ कि पिकासो ने कैसे 10 मिनट में पेंटिंग पूरी कर दी और उसकी कीमत लाखों डॉलर बता रहे हैं। उस वक्त महिला ने पिकासो को धन्यवाद दिया और पेंटिंग लेकर चली गई। घर जाकर वह सोचने लगी कि पेंटिंग की कीमत के बारे में शायद पिकासो मजाक कर रहे होंगे। पेंटिंग की सही कीमत जानने के लिए वह बाजार गई और देखकर दंग रह गई कि पेंटिंग की कीमत वाकई लाखों डॉलर है। संयोग से एक बार फिर अचानक महिला की मुलाकात पिकासो से हुई। काफ़ी उत्साहित होकर वह पिकासो से मिली और कहने लगी, सर आप एकदम सही थे, आपने जो पेंटिंग बनाई थी वह लाखों डॉलर की है। पिकासो ने हंसते हुए कहा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। वह महिला बोली, सर आप मुझे अपनी स्टूडेंट बना लीजिए और मुझे भी पेंटिंग बनाना सिखा दीजिए। जैसे आपने 10 मिनट में मिलियन डॉलर की पेंटिंग बना दी, वैसे ही मैं भी 10 मिनट में न सही 10 घंटे में ही एक अच्छी पेंटिंग बना सकूं, ऐसा मुझे बना दीजिए। पिकासो ने हंसते हुए कहा, यह पेंटिंग जो मैंने 10 मिनट में बनाई है, इसे सीखने में मुझे 30 साल का समय लगा है, मैंने अपने जीवन के 30 साल सीखने में दिए हैं, तुम भी दो, सीख जाओगी। वह महिला अवाक और निशब्द होकर पिकासो को देखती रह गई। दोस्तों, हम जब किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो हम उसके द्वारा पाई गई सफलता को ही देखते हैं, जबकि उसके हर सफलता के पीछे कठिन परिश्रम, धैर्य और लंबे समय का समर्पण छिपा होता है। अगर आप सफलता पाने की चाह रखते हैं तो सफल होने के लिए मेहनत करने की चाह भी अपने अंदर रखिए।